नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू योगी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि क्या जो एग्ज़ाम है वो रीट में, जो रीट का एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा, तो इस विषय पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा बहुत सारे जो सवाल हैं सबको एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करें। तो पहला सवाल है कि क्या रीट सितंबर में होगी। दूसरा जो प्रश्न बन रहा है वो होता है कि क्या हो सकता है रीट का पैटर्न। तीसरी बात, सेकंड ग्रेड 2018 कब तक मिलेगी ज्वाइनिंग। और चौथा जो प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2018 में रिजर्व लिस्ट वाले का क्या होगा, कितने उनकी संभावनाएं बनती हैं उस विषय में। और पांचवा जो यहाँ पर हम बताने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड 2018 का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, और इस बार रिजल्ट का जो पैटर्न होगा यानी किस तरह से रिजल्ट आएगा, तो इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुँचें और आप सभी वीडियो से पूरी जानकारी ले सकें। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए दोस्तों, पहला ही जो प्रश्न है वो आपके सामने बन रहा है कि क्या रीट है वो सितंबर में होगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था और कई बार वो कह भी चुके हैं कि रीट एग्ज़ाम सितंबर में होगी। तो इसके बाद जो बैठक हुई हैं उसमें भी अभी तक कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका है, और अभी भी एक बैठक होनी बाकी है। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए रीट एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होना संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, ना कोई सिलेबस पैटर्न अभी तक कोई भी यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम जो है रीट में तो होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये एग्ज़ाम ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, अगर सितंबर में नहीं तो ये एग्ज़ाम की जो संभावनाएँ हैं नवंबर और दिसंबर के आसपास जो बनती हैं, तो लेकिन अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें, रीट सितंबर को मानकर ही अपनी तैयारी रखें। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, रीट का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कवायद लगाई जा रही हैं कि इस बार जो वेटेज है वो हटेगा या नहीं हटेगा। तो दोस्तों, रीट के पैटर्न की अगर हम बात करें तो वेटेज जो है, पिछली बार जो 70-30 का वेटेज था उस वेटेज को निश्चित तौर पर हटाया जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसा कि पिछली बैठक में भी ये क्लियर हो चुका है कि वेटेज तो हटेगा। अब अगला पैटर्न क्या होगा इसके ऊपर अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि सब्जेक्ट का पेपर हो और रीट का जो पेपर है उसको क्वालिफाई करने के बाद आप अपना सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। तो ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। सब्जेक्ट की भी तैयारी रखें और रीट के पेपर की भी आप तैयारी करते रहें, रीट के सिलेबस में कोई भी चेंजेज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड 2018 कि कब तक मिलेगी ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2018 की अगर हम बात कर लें तो सेकंड ग्रेड का जो काम है बहुत इस कोरोना की वजह से काफ़ी डिले हो गया है। अब तक ज्वाइनिंग जो है वो मंडल आवंटन हो चुका होता और ज्वाइनिंग भी मिल जाती, लेकिन इसमें कोरोना की महामारी की वजह से बहुत सारी जो समस्याएं आई हैं, इससे जो सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग जो है वो अभी तक रुकी हुई है। तो दोस्तों, मंडल आवंटन की जो बात है तो हम इस मिड जुलाई में आपके मंडल आवंटन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी काम चल रहा है जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, और पूरी उम्मीद है कि आपकी जुलाई अंत तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2018 रिजर्व लिस्ट वाले क्या करें। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2018 के जो रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट हैं तो उनके लिए हालांकि बहुत कम संभावनाएँ बनती हैं, लेकिन जब मंडल आउटन होंगे उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि कितनी पोस्ट जो हैं वो अभी भी खाली रह चुकी हैं, तो उसके हिसाब से वो रिजर्व लिस्ट वालों को बुलाएंगे। तो इसमें
रिजर्व लिस्ट वाले इसका ज़्यादा वेट ना करके अपनी तैयारी आगे की जारी रखें, रीट की तैयारी रखें। और रिजर्व लिस्ट का कितने रैंक वालों तक की संभावना है इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, तो उस पर आपको क्लियर, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितनी रैंक तक के रिजर्व लिस्ट वालों का सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2018 का रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावनाएं हैं, तो फर्स्ट ग्रेड 2018 का जो रिजल्ट है वो 1 जुलाई में ही आने की संभावनाएं हैं, यानी जुलाई के पहले सप्ताह में ही ये रिजल्ट जो है बिल्कुल पूरी तरह से इसकी पूरी से पूरी संभावनाएं हैं कि ये रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा और प्रथम सप्ताह में ही ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बहुत से सारे अभ्यर्थी ये भी कर रहे थे कि इस बार भी क्या डबल जो है वो प्रोविजनल लिस्ट में पास किए जाएंगे, तो इस बार जितनी संभावनाएं बन रही हैं तो आरपीएससी इस बार प्रोविजनल लिस्ट जारी न करके फाइनल रिजल्ट जारी कर सकती है, और इसके साथ साथ ही रिजर्व लिस्ट जो है जो 50% कैंडिडेट हैं वो रिजर्व लिस्ट भी उसके साथ साथ जारी कर सकती है, क्योंकि इससे जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं उनको उनका टाइम ख़राब ना हो और उनको भी खास ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके लिए ये इस पर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, तो संभावनाएं हैं कि इस बार फाइनल रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड 2018 का आएगा। तो दोस्तों ये सारी जो बातें थी आपको बतानी थी, तो हालांकि अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पर विषय में जारी नहीं हुआ है, और रहा सेकंड ग्रेड 2018 के बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आपका क्या रहा, तो दोस्तों मैं भी इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो इस विषय से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और इसीलिए मैं वीडियो अभी तक नहीं डाल पाया था, और बहुत कम वीडियो इस पर चैनल पर आए थे, लेकिन अब आपके सामने रोज आते रहेंगे और आपसे इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। और सेकंड ग्रेड 2018 में किन कमियों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, या जो कमियां मैंने की वो गलतियां आपने भी की होंगी, या बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, और जैसी भी कोई अपडेट आती है इनसे संबंधित तो मैं सबसे पहले आपको जरूर सूचित करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतनी बातें करनी थी, आपसे रूबरू होना था, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।